ये बेटी के साथ इसकी कोको है। आपका जैसा आपको पहले वीडियो में आपने कोको को देखा था कितनी छोटी सी थी, क्यूट सी, अभी थोड़ी सी बड़ी हो गई है। यशिका कोको से इतने दिनों के बाद ऐसी हर चीज काटते हैं। यशिका कोको से मिलने के बाद कैसा लगा आपको बेटा? अच्छा। खेलने दो। Coco, sit down. Good girl. I like it. Get up. Lovely girl. I like it. तो देखा आपने? 2 months के आसपास तक, 2 महीने तक इसको काफी हमने बेसिक ट्रेनिंग दे दी है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे चीजों को करना है। बेटी बहुत एक्साइटेड है इसके साथ। देखिए Coco, run! Run. Run. Hey guys, कैसे हैं आप लोग? जो भी मेरे followers हैं, subscribers हैं, उन्होंने Coco को बहुत छोटे देखा था मेरे Doberman के साथ। आज आप देख सकते हैं कि after few days इसकी height आप देख सकते हैं growth कहाँ तक पहुँच गई है। Hey Coco, see Coco. बेबी कान इसके थोड़े से कान पर आप देखिए थोड़े से कान थोड़े से खड़े होने लगे हैं। जर्मन शेफर्ड पप जब भी आप पाले भाई थोड़ा सा आपको बता दूं मैं छोटी सी आपको उनके साथ जो है सेफ्टी रखनी पड़ेगी। जैसे कि इनके जो कान हैं वो 1 महीने से लेके 2-2.5 महीने के बीच या मैक्स 3 months के अंदर जो है खड़े हो जाते हैं पूरी तरीके से। तो जैसे कि कोको भी ऑलमोस्ट 2 months की है, इसके कान जो हैं खड़े हो गए हैं, थोड़े से ऊपर से डाउन है। तो प्रिकॉशन ये रखना है कि उसके ऊपर हाथ नहीं फेरना, प्यार करो यहाँ से करो, ज़्यादा फेस पे हाथ नहीं फेरना। और इसको जो है हार्ड सरफेस पे जब भी आप चलाओ, घर में अगर आपके पार्क है, कच्ची जगह है, तो पप्स को चाहे कोई भी ब्रीड हो, अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं जहाँ पे हार्ड सरफेस है, कच्चा बिल्कुल भी नहीं है, घास बिल्कुल भी नहीं है, तो प्लीज़ आप चाहे जो मर्जी ब्रीड का डॉग पालें, अगर आप पप पाल रहे हैं, छोटा पपी पाल रहे हैं, तो उसके लिए आपने देखा होगा कि कुत्तों के कुछों के पैर बैंड हो जाते हैं। कुछ लोगों की बड़ी गलतफहमी है कि वो दूध से हो जाते हैं, छाछ से हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फूड तो हमेशा न्यूट्रेंट होता है, कुत्ते को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। आप क्या करते हैं कि उसको खाना इतना ज़्यादा देते हैं, कुत्ते को हेल्दी फूड देते हैं, अच्छी क्वालिटी का फूड देते हैं, रॉयल कैनन हो गया, पेडिग्री हो गया, न्यूट्रेंट फूड जो भी हो गया, आप उनको डाइट तो बहुत अच्छी देते हैं लेकिन आप उनको टाइम नहीं देते। तो डाइट के साथ डॉग को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आप जो है उनको घुमाने ले जाएं डेली। अब कुछ लोगों के यार बहुत मैंने गलत सोच देखी है, बिल्कुल शहरी बाबू बना रखा है कुत्तों को कि जो है इनको बाहर ले जाना, इन्फेक्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ नहीं होता भाई, कुत्ते को जो है बस गंद में मत लेके जाओ, बाकी घर के आसपास कोई पार्क हो या कच्ची मिट्टी का। ओए 3 9 ये दांत गड़ा रही है पूरी तरीके से। तो कुत्ते को जो है अपने पप्स को वहाँ पे रनिंग कराना, घुमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप देखेंगे थोड़े बहुत दिनों के बाद उसके पीछे के जो पैर हैं वो बैंड होना शुरू हो जाएंगे, आगे के जो पैर हैं वो बैंड हो जाएंगे। तो उससे जो है लाइफ टाइम के लिए आपको रिग्रेट फील होगा कि यार मेरा डॉग इतने प्यार से मैंने इसको पाला, ऐसा क्यों हो गया। तो भाई डॉग जब भी पालो उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है, खाली पैसे खर्च करके अच्छी ब्रीड का कुत्ता घर ले आने से बात नहीं बनती। चाहे अच्छी डॉग पालो पर केयर करके पालो, ये मेरा आपको छोटा सा एक सजेशन है। बाकी डॉग सारे एक जैसे होते हैं, मैंने जो है 7-8 स्ट्रीट डॉग्स की भी मैं केयर करता हूँ। उसके अलावा मेरे पास 2 डॉबरमैन है, कोको से आप मिल ही चुके हो पहले मेरे फर्स्ट वीडियो में जो मैंने डॉग्स का डाला था, कितनी छोटी थी, प्यारी सी, चल भी नहीं पाती थी, भाग भी नहीं पाती थी, और आज आप उसकी रनिंग देख ही चुके हो। मैं देखता हूँ आपको दिखा के एक बार कितना स्पीड हो गई है। ये देख, ये देख, हटी छोड़ी छोड़ी हो, इसकी स्पीड देखने दे, देख ये देख, ओ तेरी। और ये भी इतनी छोटी है लेकिन घर में कोई आता है तो भाई अभी इसे भौंकने लग गई है, गेट पे कोई आएगा तो भौंकना शुरू कर देगी। ये आपको मैंने दिखाया था पार्किंग में जो अभी बंद रही थी, अभी दिखाता हूँ ये
पार्किंग में गाड़ी के पास सुबह सुबह थोड़ी देर के लिए बांध देते हैं। अच्छा, घर के अलावा जो और कोई बाहर का बंदा इससे पंगे करता है तो क्या एक्शन करती है देख लो जरा आप। ये स्ट्रेंजर है, ये भी घर पे आया है भाई मिलने के लिए, देख लो क्या हाल कर रही है इसका। एक्शन करिए इसके सामने कुछ ऐसा, डराने का एक्शन करिए, डराने का, ये सच में खा जाएगी बेटा। तो तरीवर। ये देख रहे हो आप, इसे बोलते हैं डॉग को सोशलाइज करना, बाइक ट्रेंड करना। बचपन से ही आपके लिए गार्डिंग का काम करना शुरू कर दिया है इसने। कोको नो बेटा, नो रिलैक्स। आ तू मेरे साथ आजा, चल मेरे साथ आजा, छोड़ दे उसे, कुछ नहीं करेगा वो, आजा कोको। भाई वो पीछे पड़ गई है इसके। कानल के पे छुड़ गया बच्चा, खाओ बना ची भाई कुत्ते का। ओए नाली में जाएगी खुद तेरी। नो 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 कोको नो तेरी तो मार गया भाई, पकड़े दांत मार देगा सच में, पकड़ इसे, पकड़। भाग इससे, कम ऑन कम ऑन। ये देख रहे हो इसकी एजिलिटी, देख रहे हो आप फुर्ती, देख रहे हो। ओले पकड़ लिया। जर्मन शेफर्ड भी काफी अच्छे गार्ड डॉग्स होते हैं डॉबरमैन के अलावा, तो अगर आप जर्मन शेफर्ड भी पालना चाहते हो तो वो ब्रीड बहुत अच्छी है, आप ला सकते हो घर पे। गार्ड डॉग्स हैं, सिक्योरिटी के लिए काफी अच्छे हैं। हाय क्रिश, आज इधर बैठ जा बेटा। तो ये जो है क्रिश शैम्प है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि यार हमारे कुत्ते को हम घर के बाहर लेके जाते हैं तो गली के कुत्तों को देख के भाग जाता है, डर जाता है, डरपोक है। तो ए नो तो होता क्या है कि आप अपने डॉग्स को सोशलाइज नहीं करते हो बाहर के कुत्तों के साथ। तो जो स्ट्रीट डॉग हैं वो जो है यहाँ पे घर में आके हमारे डॉग्स के साथ खेलते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनके साथ बैठते हैं। तो उससे क्या होता है कि कुत्ता थोड़ा सा खुल जाता है, वो डरता नहीं है ऐसे बाहर निकालने पर कुत्तों को देख के, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भरा रहता है। अगर कोई कुत्ता उसके ऊपर भौंकेगा, अटैक करेगा, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे भिड़ने को तैयार होता है। लेकिन आप उसको दिन भर घर में बांध के रखोगे, बाहर घुमाते वक्त कुत्तों से दूर रखोगे, तो जो है थोड़ा सा बेकार हो जाएगा। हे बेबी, हे कोको कोको कोको, रन 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 रन, वेरी गुड गर्ल। नो गुड गर्ल, गुड कोको। म्यूजिक सुना रहे हैं ऐसे। ये शी नो बैड फूड, खा रही लकड़ी, खा रही कम। अच्छा, अगर आपके पास जिस भी ब्रीड का पप हो, एक बात याद रखना दोस्तों, और डाइट की अगर हम बात करें तो छोटे बच्चे को एटलीस्ट 3 times a डे आपको खाना देना है। तकरीबन एटलीस्ट मेरा ही मानना है कि 9-10 महीने तक, ये साल भर तक जो ज़्यादा बेटर रहता है, 1 साल तक तो मान के चलो 3 times a day उसको आपको फूड देना है। और नमक बिल्कुल नहीं देना, हर एक वीडियो में बताता हूँ, नमक बिल्कुल जहर है कुत्ते के लिए। रीज़न मैं बता चुका हूँ आपको पहले अपने डोबरमैन वाले डाइट वाले वीडियो में। इसके अलावा शुगर, इसको रॉ शुगर नहीं देना, स्वीट्स के साथ सॉरी फ्रूट्स के साथ नेचुरल स्वीट अगर इनटेक लेते हैं तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वरना सूखा शुगर देना कुत्ते के लिए काफ़ी हार्मफुल है, वो बिल्कुल नहीं देना। कोको, अच्छा तो जैसा कि मैंने बताया, पप्स जो है घर में आपके जब पालेंगे तो सोफ़ा, चेयर, आपके कपड़े ढूंढ ढूंढ के निकाल के, जूते चप्पलें काटेंगे, उसमें काफ़ी ये जो है आपका नुकसान करते हैं। तो उसके लिए बेस्ट तरीका मैं बता दूं क्या है, बजाय इस बात के पीछे लड़ झगड़ के कुत्ते को छोड़ देना या जिद कर लेना। ज़्यादातर जो है घर में मॉम्स जिद करती हैं, लड़ती हैं कि आपके कुत्ते ने एक काट दिया वो काट दिया, कुत्ता छोड़ के आओ या तो घर में कुत्ता रहेगा या मैं रहूँगी या तुम रहोगे। तो इस टाइप के पंगे से बचने का बेस्ट सोल्यूशन है
ये मजल एक ले लो छोटे साइज का, पॉप्स के साइज का, और उसको जो है बांध दिया करो फ्री टाइम में, 24 घंटे नहीं पर जो उसके आसपास घर में वो घूम रहा हो बैठा हो तो आप इसको बांध सकते हो, या फिर चॉयबल बोन्स आती हैं वो आप जो है दे सकते हो ताकि उसके मसूड़ों की एक्सरसाइज होती रहे और उसके जॉ में जो है इम्प्रूवमेंट रहे और वो अच्छे से ब्रॉड हो सके। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी अगर आप छोटा पापी घर पे लेके आ रहे हैं तो। इसका मेरे साथ बहुत अटैचमेंट था जब ही इसको मैं लेके आया था, तो काफ़ी दिन तक साथ में रही थी, साथ में ही सोती थी, बच्चों के साथ हमारे साथ काफ़ी अटैचमेंट था। अभी थोड़े दिन से थोड़ा सा दूर हो गई है तो इससे मिलने हम बीच बीच में आते रहते हैं। अब यशिका भाग, आपको डर की बात नहीं है, तेरी पजामे नहीं पकड़ेगी, भाग ले, भाग तेज, भाग भाग भाग, रेडी 1 2 3 रन 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 लुक एट हर स्पीड। अग्रेशन, ओ तेरी, ये अच्छा एथलेटिक लड़का है जो भाग रहा है, ये देखो इसको भी चेज कर रहा है। थोड़ा लेफ्ट टर्न ले लिया करना, गोल गोल घूमता रहेगा, लेफ्ट टर्न ले, हाँ गिर जाएगा वरना चक्कर खा के। ये देखो ये देखो ये देख रहे हो कैसे पकड़ती है। तो भाई कुत्ते को टाइम देना पड़ता है, घर में पपी तो पाल लेते हैं लोग पर टाइम नहीं दे पाते, टाइम स्पेस एक बार के लिए घर में मैं कहता हूँ चलो हर किसी के नहीं होता यार, फ्लैट्स में आजकल शहरों में स्पेस नहीं होता, आप अपार्टमेंट्स में रहते हो ऐसी जगह पे रहते हो, स्पेस ना भी हो ना तो उसके लिए आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, उसके जो है पॉटी वगैरह साफ़ करने के लिए आपके अंदर पेशेंस होने चाहिए, उसके अलावा उसका ज़रा ज़रा सी देर में वो सुसू कर देगी, उसको साफ़ करने के लिए पेशेंस होने चाहिए। घर में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो इन चीज़ों को ध्यान रख सके, वरना फिर आप परेशान आ जाओगे, यार ये तो गंद कर रही है वो कर रही है, नेचुरल है यार वो कोई, उसके लिए आपको ट्रेन भी करना पड़ेगा। घर में कोई ऐसा कौन है उसको बचपन से आप दिखा दें कि यहीं पे जाके इसको वॉशरूम जाना है, जैसे खाना खाने के बाद उसको आप ले गए डॉगी के फीड कराने के तुरंत बाद आप ले जाओ उसको, उससे क्या होगा वो वहीं जाके फिर अपना काम करेगा, उसको एक बार सूंघ लेगा ना जिस जगह को वहीं करेगा और कहीं नहीं करेगा। तो ये आदत डालनी पड़ती है छोटे को, या तो छत पर ले जाओ या किसी अपने टॉयलेट में भी, कुछ मैंने डॉग्स देखे हैं टॉयलेट में ही जाके करते हैं, तो ऐसे आप धीरे धीरे इनको आदत डाल सकते हैं जिससे कि बचाया जा सकता है। यशिका आस्क हर टू सिट, कोको सिट डाउन, इसको डॉगी दिख गया अभी, ओए नो 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 नो, ये देख इसको भगाओ, ए मोर के ऊपर अटैक कर रहा है बेवकूफ, बाहर निकाल इसे घर से। सुबह सुबह जो है ना मोर आ जाते हैं तो ये जो स्ट्रीट डॉग है कई बार इसके ऊपर अटैक करता है जो बिल्कुल अच्छा नहीं है, आई डोंट अप्रिशिएट दिस। तो देखो मोर कहाँ बैठा हुआ है, लेट मी शो यू, देखो शहरों में यार वैसे लाइफ ना स्पॉइल हो गई है आजकल लोगों की, पढ़ाई, भारी भारी बैग बच्चों के, और नेचर से जुड़ने का मौका नहीं मिल पा रहा बच्चों को, प्रकृति को जानने का, समझने का, फ्रेश हवा में जीने का। मैं तो सिंपल सा फंडा है, मैं तो बच्चों को बोला भैया भले तुम जो है ना 33% मार्क्स ले आओ मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक तो उन्हें एक अच्छे इंसान बनाना है, दूसरा दूसरों की केयर करने वाली क्वालिटीज़ उनके अंदर आनी चाहिए, और फिज़िकली वो फिट होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए। कॉम्पिटिशन का ज़माना है, इंसान ने अगर पैदा किया है ना सबको तो भाई भगवान पेट भी भरता है, पढ़ाई के चक्कर में पागल मत बना दो बच्चों को, खामा खा की जो है टेंशन देना, बर्डन देना बच्चों को, पढ़ाई के पीछे मारना पीटना वो बिल्कुल सही नहीं है। घर में डॉग रहता है तो पॉजिटिविटी रहती है भाई, नेगेटिविटी दूर होती है, तो मैं बोलता हूँ डॉग पालो आप। Don't forget to like, comment and subscribe my channel. Bye. Jai Hind.